जैसे देखो कभी कभी क्या होता है कि हम सेंटेंस बोलते हैं कुछ, हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है एक, इसमें क्या है कंफ्यूजन भी लगता है कि क्या ये बोले हैं। जैसे हम इंग्लिश पे बोलते हैं और इंग्लिश बोलते समय हमें लगता है कि यार यहाँ पर हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, एक अजीब सा लगता है कि यार यहाँ पर तो ट्रैप हो चुके हैं। तो कभी कभी जब ट्रैप हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो माइंड ब्लैंक टाइप का हो जाता है, क्या करें। तो इस प्रकार के आज जो कुछ यूज है उसको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि ये बोल दूं, एक हम बोलते हैं पूछो क्या पूछना था, खरीदो क्या खरीदना था, पढ़ो क्या पढ़ना था, और भी इस प्रकार के बहुत सेंटेंस बोल देते हैं। जैसे कि आप बोल देते हैं कि मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहोगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस सीखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे या ना लगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि मेरा नाम लव कुमार है, ब्राइट इंग्लिश इंस्टीट्यूट। तो अब चलते हैं हम सेंटेंस की ओर। सम इम्पोर्टेंट, सम इम्पोर्टेंट यूजेस। पहले बात करते हैं इस प्रकार के सेंटेंस। पहले मैं सेंटेंस को लिख रहा हूं, उसके बाद इसका सिंटेक्स लिखूंगा। इसे मैं बोल दूं पूछो क्या पूछना था। जब ये क्वेश्चन वर्ड नहीं होते हैं, ये लगते क्वेश्चन वर्ड जैसे, क्वेश्चन वर्ड नहीं होते, नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। और आपको जब भी ऐसे कोई सेंटेंस मिले तो इसका सिंटेक्स देखते हैं। पहले आप सिंटेक्स में आप पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप व्हाट का यूज करेंगे और जो सब्जेक्ट होगा। याद यहां पर जरूरी नहीं है कि सामने वाला ये हो, हम सामने वाले से ही बोलते हैं तो यू आ जाएगा, कोई थर्ड पर्सन है थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। चलो अभी यू लेते हैं, यू ले लिया ये कोई भी सब्जेक्ट। और आप पास्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि हम ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, वांटेड टू। और इस प्रकार सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो देखते हैं हम बहुत सिंपल वे से, जैसे कि पूछो, पूछने की इंग्लिश क्या होती है, आस्क। तो लगाएंगे आस्क और फिर क्या लगा देंगे, व्हाट लिखा है, व्हाट और फिर यू। हम क्योंकि सामने वाले से बोलते हैं, जब भी हम कोई सब्जेक्ट आपको सोना हो, आस्क व्हाट यू वांटेड टू। अब यहां पर मैंने दोबारा वर्ब क्यों लगाई, इसलिए लगाई, इंग्लिश में हम जब किसी वर्ब का एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसको दोबारा रिपीटेशन नहीं करते। इंग्लिश में हो सके तो ज्यादा रिपीट ना किया करें यदि उसका पहले मेंशन हो चुका हो। तो इस प्रकार से बनेंगे, इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। और भी नेक्स्ट देखते हैं, एक सेंटेंस तो देखते हैं। इसे बोलते हैं खाओ क्या खाना चाहते थे या क्या खाना था। तो बोलेंगे ईट व्हाट यू वांटेड टू। तो इस प्रकार से आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। चलो टाइम बर्बाद ना करते हुए, तो मैं ये पास्ट के लिए था, यदि प्रेजेंट की बात आ जाए, प्रेजेंट यू नो प्रेजेंट में है आएगा, इसी को बनाऊं मैं। तो इसी प्रेजेंट के लिए आप क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म जो भी है, और आप लगाएंगे व्हाट लगाएंगे और देन सब्जेक्ट। यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो वांट्स लगा देंगे, प्लूरल आएगा तो वांट टू, मतलब टू इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, वो तो मैंने से बोल दिया। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है वांट टू का, वाना होता है, तो वाना भी लगा सकते हैं। तो ये है, इसे के बोल दूं, इसे बोल दूं बोलू क्या बोलना है, स्पीक व्हाट यू वांट टू, ऐसे बोलते हैं बताओ क्या बताना है, टेल व्हाट यू वांट टू। तो इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस सीखना चाहते हो तो सेंटेंस इस प्रकार सीख सकते हो आप। और एक प्रकार का मैंने और मेंशन किया था सेंटेंस की शुरुआत में, या सॉरी वीडियो की शुरुआत में, जैसे कि हम बोलते हैं मैं वैसा करूंगा जैसा आप कहोगे। जब भी वैसा ऐसा आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको जैसे कि बोले सेंटेंस देखो, पहले मैं वैसा करूंगा जैसा आप कहोगे, तो वैसा करूंगा
तो जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं तो पहले हम लगाते हैं, जैसे कि मैं पहले जो करेंगे पहले वो बोलेंगे, तो आई विल डू, और जैसा वैसा के लगाते हैं, कल एज एज यू टेल, ऐसे बोल सकते हैं, और बोलेंगे कि मैं वैसा पढ़ाऊंगा, मैं वैसा पढ़ाऊंगा जैसा सीखोगे, I will teach as you learn, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस सीखने के लिए आप वीडियो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।